पिंडदान क्रम सात और किया जा सकता है हे गुरु। ऐसे परमहंस कुटी चक्र बृहद सन्यासी धर्म और ऐसे जन इस कर्म के द्वारा, इस कौन बोलते क्रिया धर्म, इस धर्म क्रिया के द्वारा परलोक में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें इस आवागमन के चक्रों से वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को सारे जनों को नारद भगवान यहाँ पर बताते हैं कथा में, अवश्य ही मन से श्रद्धा पूर्वक और धैर्य को धारण करते हुए इस कर्म को करें, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, क्योंकि नारद भगवान कहते हैं यह किया हुआ कर्म बार बार नहीं होता, क्योंकि जो दिन है दोबारा तो ना आएगा, जो इस दिन में आता है उसका तो ध्यान है। इसीलिए इस कर्म को नियम से करें, धर्म से करें, श्रद्धा से करें, ताकि उन पितरों को जो हमारे उस दिवंगत पुण्य आत्मा है, तो कहते इसी कर्म के द्वारा उन्हें गति मिलती है, अन्यथा और ऐसा कोई कर्म नहीं है कि उन्हें गति मिले। गति देने कौन? भगवान विष्णु, और उनके द्वारा कही कथा है। तो उन्होंने बताया जब पुत्र या संसारी जन अपने पितरों के इस कर्म को करते हैं मन से श्रद्धा पूर्वक, तो नारद भगवान कहते हैं इस विधि के द्वारा वह जो दिवंगत पुण्य आत्मा है वो भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाती है, अर्थात भगवान विष्णु के धाम को जो पहुंच जाता है फिर उसे कोई प्रकार कमी नहीं होती। जैसे यदि किसी का स्वास्थ्य खराब हो तो हम क्या सोचते हैं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल जाए, अच्छी जगह पे, अच्छी जगह उसका जान, अच्छे डॉक्टर, अच्छी विधि से करते जो कर सकते हैं। इसी प्रकार जाने के पश्चात क्या क्या, जाने के पश्चात उनको सुविधा देने के लिए सारे नियम धर्म लिखे गए, ताकि जब वो जाए तो उनके पुत्रों के द्वारा, जैसे हम श्राद्ध करते हैं तो ये तो कराते श्राद्ध, इसलिए करते हैं पितरों को प्राप्त कोई हमसे कभी रहे कभी तो श्राद्ध में ये तो कराते सारे कर। तो वही क्या बताया कि जैसे श्राद्ध में श्रद्धा दिए थे कि श्राद्धम, श्रद्धा से जो भी कुछ हम नियम से विधि जो उनको अर्पण करते हैं वो ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार पुत्र के द्वारा जब इन कर्मों किया जाता है सारे जनों के द्वारा अपने उस पूर्वज के गति के लिए कर्म किया जाता है, तो नारद भगवान स्वयं अपने मुख से बोलते हैं कि गरुड़ वह जीव मेरे बैकुंठ में पहुंच जाता है और मेरे बैकुंठ में पहुंचने के बाद उन्हें किसी प्रकार कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वहां ध्यान देने वाले कौन है, तो स्वयं भगवान ठाकुर मालिक देगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, जैसे अर्जुन ने बोल दिया परमात्मा सब आपने ही करना है, हमने कुछ नहीं करना, करने वाले भी आप, कराने वाले भी आप। जब उन्हें गीता सुनी तो ये देखा कि मार भी वही रहे और बचा भी वही रहे, जब उनकी इच्छा है तो जो मर्जी करे, कहने का तात्पर्य वही सूरज को निकाल दे रहे, वही सूरज को डुबा दे रहे, यानी संसार को उन्हीं के हाथ में चल रहा है। तो जो ये कर्म करता है इससे उनके पितर उसी लोक में पहुंच जाते हैं, किस लोक में, भगवान श्री हरि की शरण, और जो उनकी शरण में पहुंच जाता है तो फिर करने वाले वही है, सब उनको गति कराते हैं, यहाँ तक कि हर प्रकार का पुण्य उन्हें वहां प्राप्त होता है। इसीलिए संसारी जनों को नारद भगवान कहते हैं गुरुड़ संसारी जनों को यह कर्म नियम से धर्म से विधिवत पुत्र को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। जो पुत्र अपने पूर्वजों के इस कर्म को सुनता है, इस कर्म को करता है, इस क्रिया को करता है, पिंडदान कर्म गुरुपान पांच नियम लिखे गए, यज्ञ भोजन सब, कहते वो जो सब कर्म करता है इसके द्वारा समझो स्वयं पितृ देवता ही वो ग्रहण करते हैं। जैसे श्राद्ध में ब्राह्मण को जिमा के यही मानते हैं कि वो हमारे पितृ लोग ले रहे, इसी प्रकार जो भी हम कर्म करेंगे चाहे ब्रह्मो चाहे यज्ञ चाहे क्रिया, कहते वो सब वास्तव में उनको प्राप्त होता है। इसीलिए नियम से श्रद्धा पूर्वक पुत्र को इस कर्म को करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो हौ शांतिरंतर शुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरूषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधिषु शांतिरभवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम महा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याचरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। अनया पूजयन् चक्रते श्री पितृदेवताय नमो नमः।